चंद्रलेखा बहुत अमीर है। उसका पति एक महीने पहले गुजर गया है और आज उसकी गोद में एक बच्चा आया है। चंद्रलेखा उस बच्चे का नाम रोहन रखती है। उसको ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास है, इसीलिए कुछ ही दिन बाद वो रोहन को लेकर उसकी जान पहचान के ज्योतिषी बाबा गंगाधर के पास जाती है। गंगाधर ज्योतिष भी है और तांत्रिक भी। वो राहुल की कुंडली देखकर कहता है, ये क्या चंद्रलेखा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसकी शादी किसी इच्छाधारी नागिन के साथ होने वाली है। ये बात चंद्रलेखा को हजम नहीं होती। आखिर उसके बेटे के साथ किसी इच्छाधारी नागिन की शादी कैसे हो सकती है। वो बड़ी चिंता में पड़ जाती है। गुरुजी, इससे निकलने का कोई उपाय तो होगा। है ना उपाय, हमें उस नागिन को अभी मारना होगा। उसका जन्म कहाँ हुआ है ये मैं जानता हूँ। चंद्रलेखा गंगाधर के साथ उस इच्छाधारी नागिन की खोज में निकल जाती है। इधर उधर घूमकर वो दोनों एक स्टेशन के बाहर जाते हैं। गंगाधर बीन बजाने लगता है और उस आवाज को सुनकर एक बच्ची रोने लगती है। चंद्रलेखा देखती है कि वहाँ एक भिखारन अपनी छोटी सी नवजात बेटी को गोद में लेकर बैठी है। उसके और भी तीन बच्चे उसके पास बैठे हुए हैं। वो भिखारन रो रही है, हे भगवान, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, ये किसका जन्म हो गया, ये तो इंसान नहीं है। चंद्रलेखा के पूछने पर वो भिखारिन बताती है कि ये बच्चे सिर्फ इंसान नहीं है, ये जब पैदा हुई थी तब ये आधा नागिन थी और आधा इंसान, इसीलिए वो रो रही है। चंद्रलेखा और गंगाधर समझ जाते हैं कि यही वो लड़की है जिसके साथ बाद में रोहन की शादी होने वाली है। चंद्रलेखा उस भिखारिन से कहती है, एक काम करो बहन, तुम इस बच्ची को कूड़े में फेंक दो, ऐसी बच्ची को अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है। वो भिखारिन उस बच्ची को कूड़े में फेंक कर चली जाती है और तभी चंद्रलेखा उसे उठाकर एक जंगल में चली जाती है। गंगाधर भी उसके साथ है। वो कहता है, अब हमें इसे मारना पड़ेगा। मैं एक घड़ा लेकर आया हूँ, इसे उस घड़े के अंदर डालकर मिट्टी में दफना देते हैं। वो लोग वही करते हैं, उस बच्ची को घड़े के अंदर डालकर मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं और खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रलेखा गंगाधर को बहुत सारे पैसे देती है और घर लौट कर जोर जोर से हंसने लगती है। उसे लग रहा है कि उसके बेटे के सर से उस नागिन का साया पूरी तरीके से चला गया है। लेकिन उधर एक गरीब औरत जंगल में जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। वो मिट्टी के अंदर से कीड़े निकालकर अपनी मुर्गियों को खिलाती है। मिट्टी खोदते खोदते उसको एक घड़ा दिखाई देता है। अरे, मिट्टी के अंदर एक घड़ा है, इसमें है क्या? वो घड़ा उठाती है और उसमें से उस बच्ची को बाहर निकालती है। बच्ची को देखकर वो भावनाओं में बह जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर इस फूल सी बच्ची को किसने यहाँ दफना दिया? चल बेटी, तू मेरे घर चल, मेरा कोई नहीं है, आज से तू मेरी बेटी है और मैं ही तेरी माँ हूँ। वो औरत उस बच्ची को अपने घर लेकर चली जाती है और उसका नाम रखती है वर्षा। वर्षा बड़ी होने लगती है और उधर चंद्रलेखा का बेटा रोहन भी बड़ा होता है। रोहन को स्कूल में भर्ती कराया जाता है। वो हर रोज गाड़ी में स्कूल जाता है और रास्ते में एक लड़की को देखता है। असल में वो लड़की और कोई नहीं, वर्षा है। वर्षा पैदल स्कूल जाती है। एक दिन गाड़ी से उतरकर रोहन वर्षा से बात कर लेता है और उस दिन से दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, दोनों जवान हो जाते हैं और एक दिन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रोहन वर्षा को घर ले जाता है। चंद्रलेखा ये देखकर हैरान हो जाती है, मगर वो वर्षा को पहचान नहीं पाती। वो कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि तूने ऐसा कर लिया, वो भी बिना मुझे बताए। पर ठीक है, कर ही लिया है तो अभी क्या कर सकते हैं। ए लड़की, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ का नाम सुमित्रा है, मगर वो मेरी असली माँ नहीं है। सुना है उन्होंने मुझे मिट्टी के अंदर से निकाला था, किसी ने एक घड़े के अंदर डालकर मुझे मिट्टी में दफना दिया था। ये सुनकर चंद्रलेखा घबरा जाती है और उसके बाद उसे जब पता चलता है कि इस लड़की का घर उस जंगल के पास में ही है, तब उसे यकीन हो जाता है कि ये वही इच्छाधारी नागिन है। रात को चंद्रलेखा खिड़की से रोहन के कमरे में झांकती है और उसे जो दिखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। वो देखती है कि बिस्तर पर रोहन के पास एक बड़ी सी नागिन सोई हुई है। वो तभी तय कर लेती है कि इसे इस घर से निकालना है। अगले दिन चंद्रलेखा वर्षा को चले जाने के लिए कहती है। सुनो वर्षा, मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, मैंने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर वर्षा चली जाती है। वो ट्रेन पर चढ़कर कहीं जा रही होती है और तभी ट्रेन पटरी से बाहर चली जाती है और ट्रेन में आग लग जाती है। सभी ट्रेन से निकल जाते हैं लेकिन वर्षा उस ट्रेन के अंदर ही फंस जाती है। बचाओ, बचाओ, वर्षा चिल्लाती रहती है और तभी एक पुलिस वाला वहां आ जाता है और वर्षा को बाहर निकालता है।
वर्षा बेहोश हो जाती है। वर्षा के बैग से कागज का टुकड़ा मिल जाता है जिसमें रोहन का फोन नंबर लिखा हुआ है। वो पुलिस वाला रोहन को कॉल करता है और रोहन तुरंत वहां पहुंच जाता है। रोहन वर्षा को अस्पताल लेकर जाता है और वर्षा को होश आ जाता है। उसके बाद वर्षा रोहन को सब कुछ सच सच बता देती है। रोहन अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वर्षा को लेकर रोहन घर चला जाता है और चंद्रलेखा को उल्टा सीधा सुनाता है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, झूठ क्यों बोला? आप हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। इसके बाद चंद्रलेखा उस ज्योतिष गंगाधर के पास जाती है। गंगाधर उसे एक आइडिया देता है। अगले दिन चंद्रलेखा वर्षा को लेकर घूमने जाने के बहाने एक नदी किनारे जाती है और वर्षा को धक्का मारकर नदी के पानी में फेंक देती है और घर चली आती है। लेकिन वर्षा एक नागिन है, उसे तैरना आता है। वो तैर कर घर पहुंच जाती है और रोहन को सब कुछ बता देती है। रोहन गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। वो वर्षा को भी साथ ले जाता है। तब गंगाधर कहता है, चंद्रलेखा, ये नागिन आसानी से मरने वालों में से नहीं है, इसे केवल आग से मारा जा सकता है। उधर रोहन और वर्षा एक जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। दोनों खुश हैं। लेकिन एक दिन रोहन जब काम पर गया होता है तब चंद्रलेखा चुपके से वहां आती है और झोपड़ी में आग लगा देती है। अंदर वर्षा तड़पती रहती है और ऐसे ही वो बेहोश हो जाती है। बाहर खड़े होकर चंद्रलेखा और गंगाधर हंसते रहते हैं और तभी वहां पर रोहन आ जाता है। अरे बाप रे, आग! वर्षा, तुम चिंता मत करो, मैं आग बुझा दूंगा। ये बोलकर रोहन नदी से पानी लाता है और आग बुझा देता है। वो झोपड़ी के अंदर से वर्षा को बाहर निकालता है। वर्षा को कुछ देर बाद होश आता है। वर्षा कहती है, रोहन, इन दोनों ने ही आग लगाई थी। तुम्हारी माँ ने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर चंद्रलेखा गुस्से में कहती है, क्योंकि ये लड़की इंसान नहीं है, ये एक इच्छाधारी नागिन है, नागिन। तभी गंगाधर अपनी मुट्ठी से कोई दवाई छिड़क देता है और वर्षा नागिन में बदल जाती है। देखो, इस इच्छाधारी नागिन का असली रूप देख लो। और इसके बाद सबको चौंका कर रोहन कहता है, तो क्या हो गया, मैं भी तो एक इच्छाधारी नाग हूँ। ये बोलकर रोहन एक नाग में बदल जाता है। तभी चंद्रलेखा गुस्से में कहती है, अच्छा तो तू भी वही है, पिछले जन्म से तुम दोनों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। असल में पिछले जन्म में रोहन और वर्षा नाग नागिन ही थे। गंगाधर एक सपेरा था और चंद्रलेखा थी उसकी बीवी। गंगाधर ने रोहन और वर्षा को कैद कर लिया था मगर उन दोनों को खाने नहीं देता था। चंद्रलेखा उन दोनों पर बहुत अत्याचार करती थी। इस तरह चंद्रलेखा ने दोनों को मार डाला था। मरते वक्त रोहन ने वर्षा से अगले जन्म में मिलने का वादा किया था और इस जन्म में भी चंद्रलेखा और गंगाधर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षा गुस्से में कहती है, हम लोग आज तुम दोनों से बदला लेंगे, पिछले जन्म का बदला। हाँ, तुम दोनों इंसान के रूप में शैतान हो। ये बोलकर रोहन गंगाधर को डस लेता है और वर्षा चंद्रलेखा को। दोनों के शरीर में विष फैल जाता है और दोनों तड़पने लगते हैं। आह, बचाओ, बचाओ! मैं मर रहा हूँ, बचाओ, बचाओ! ऐसे ही तड़पते हुए दोनों मर जाते हैं। उन दोनों को अपनी दोनों जिंदगियों के पापों की सजा मिल जाती है। आखिरकार रोहन और वर्षा एक हो जाते हैं। बदला लेने के बाद दोनों एक साथ उस जंगल में ही रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। इस जन्म में पाप किया तो अगले जन्म में उस पाप का फल भुगतना ही होगा। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ! इतने सारे नागिन हमें मार डालेंगे, बचाओ! बिमला और राजेश जंगल के बीचों बीच दौड़ रहे हैं। 10 नागिन उनका पीछा कर रही हैं। वो दोनों बहुत ही डरे हुए हैं। उनके सामने अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो लोग जान बचाने के लिए दौड़े जा रहे हैं और अचानक उनके सामने एक इच्छाधारी नागिन चली आती है और अपनी जहरीली जीभ निकाल कर कहती है, अब क्या होगा, तुम लोगों को कौन बचाएगा? इतनी सारी नागिन इन दोनों के पीछे क्यों पड़ी है? आखिर इन दोनों ने किया क्या है? इसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। बिमला अपने बेटे राजेश के साथ रहती है। वो गर्भवती है। एक महीने पहले ही उसके पति का एक बीमारी के कारण निधन हुआ। कुछ महीनों बाद बिमला को एक बेटी होती है। बिमला उसका नाम पायल रखती है। एक दिन राजेश अपनी बहन को गोद में लेकर खेलने लगता है। राजेश की उम्र अभी 15 साल है। वो पढ़ाई के साथ साथ घर भी संभालता है।
राजेश पायल को गोद में लेकर खेल रहा है। बिमला रसोई में जाती है और चिल्ला उठती है, सांप सांप बचाओ बचाओ। बिमला की चीख सुनकर राजेश पायल को गोद में लिए हुए दौड़कर रसोई में जाता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा सांप फन उठाकर बैठा है। राजेश भी डर जाता है, मगर तभी वो सांप अचानक से सर नीचे कर लेता है और वहां से चला जाता है। बिमला की जान में जान आती है। इसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं। पायल बड़ी होने लगती है, वो 10 साल की हो जाती है। पायल एक रात को रोज की तरह नींद में खोई हुई है। बिमला उसके पास सोई हुई है। अचानक नींद में पायल को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर लगता है कि वो कोई इंसान की नहीं है। पायल पायल, तुम कभी अपने मकसद को भूल मत जाना। पायल, तुम हमारे लिए वहां पर हो। पायल। ये आवाज सिर्फ पायल को ही सुनाई देती है। पायल की नींद नहीं टूटती, मगर वो उठकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो नींद में चलने लगती है। ऐसे चलते चलते वो घर से निकलकर जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में एक जगह पहुंचकर वो खड़ी हो जाती है। 2-3 सांप उसके पैर के ऊपर से चले जाते हैं, मगर उसे कुछ महसूस नहीं होता क्योंकि वो अभी नींद में है। उधर बिमला की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि पायल कमरे में नहीं है। अरे ये क्या, पायल कहाँ गई? पायल पायल। तभी बिमला को भी वो आवाज सुनाई देती है। बिमला, तूने जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी ही होगी, वो समय आने ही वाला है। ये सुनकर बिमला का गला सूख जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और डर के मारे उसका पसीना छूट जाता है। तभी पायल आ जाती है और कहती है कि वो बाथरूम गई थी। वो लोग सो जाते हैं। खिड़की से एक सांप उन दोनों की तरफ देखता ही रहता है। अगले दिन सुबह बिमला पिछली रात की बात राजेश को बताती है। राजेश अभी 25 साल का जवान है। वो कहता है, अरे माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है वो लोग 20 साल पहले की बातों का बदला लेंगे? अरे माँ आप कितनी भोली हो। मगर बिमला डरी हुई रहती है क्योंकि 20 साल पहले जो हुआ था वो उसे हर रोज याद आता है। बिमला ये सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। बिमला जाकर दरवाजा खोलती है। एक आदमी एक पार्सल लेकर खड़ा है। बिमला वो पार्सल लेती है। वो आदमी अभी भी खड़ा है। बिमला पार्सल का बक्सा खोलती है और अचानक उसके अंदर से कुछ चमगादड़ उड़कर बाहर आते हैं। बिमला बक्सा फेंक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे बाप रे ये क्या। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। बिमला कुछ कहने जाती ही है कि तभी वो देखती है कि वो आदमी वहाँ से गायब है। कोई इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है। बिमला उठकर बाहर की तरफ देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि एक सांप उसके घर से जंगल की तरफ जा रहा है। बिमला की रूह कांप उठती है। तभी वो सांप रुककर एक बार पीछे मुड़कर बिमला की तरफ देखता है और तभी बिमला को एक आवाज सुनाई देती है। बिमला तैयार हो जा, नाग पंचमी आने वाली है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बिमला और सह नहीं पाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो बिस्तर पर सोई हुई है। राजेश और पायल उसके सामने बैठे हैं। क्या हुआ माँ, आप बेहोश क्यों हो गई थी? तब बिमला घबराकर सब कुछ बताती है। ये सुनकर राजेश कहता है, अरे माँ ये आपके मन का भ्रम है, आप अभी भी 20 साल पहले की बातों को लेकर परेशान हो रही है। 20 साल पहले क्या हुआ था भैया 20 साल पहले? राजेश 20 साल पहले की एक घटना के बारे में बताना शुरू करता है। तब मैं 5 साल का था, मुझे सांपों से बहुत डर लगता था, वो डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया। राजेश तब छोटा था मगर बहुत ही ज्यादा असभ्य था, उसे दूसरे जानवरों को चोट पहुंचाने में बहुत मजा आता था। वो हमेशा कुत्तों को डंडे से मारता था और जब वो कुत्ता दर्द से कराता था तब उसे बहुत मजा आता था। बिमला ने कभी उसे रोका नहीं बल्कि इस बात को बढ़ावा दिया। बिमला का पति काम से बाहर रहता था इसलिए उसको ये सब पता नहीं था। ऐसे ही राजेश की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। बिमला भी उसका पूरा साथ देती चली गई। राजेश जहाँ भी सांप देखता था डंडा लेकर उसका पीछा करता था। ऐसे ही नाग पंचमी के दिन एक सांप का पीछा करते हुए राजेश एक जंगल के बीच में चला गया। बिमला भी उसके पीछे पीछे चली गई और वहां जाकर दोनों ने देखा कि एक जगह पर बहुत सारी नागिन बैठे हुए हैं। तभी राजेश बिमला से कहता है, माँ देखो कितने सारे नागिन हैं, मैं इन सबको आग से जलाकर मार डालना चाहता हूँ। हाँ हाँ बहुत मजा आएगा।
ये बोलकर दोनों जंगल में आग लगा देते हैं और तमाशा देखते हैं। सारी नागिन जलकर राख हो जाती है। दोनों को ये देखकर बहुत मजा आता है। इसके बाद वो दोनों घर चले आते हैं। आग भी बुझ जाती है। तभी वहाँ पर नागराज और बाकी सारे सांप आते हैं। वो सारे नागपंचमी के दिन यहाँ वहाँ दूध पीने के लिए गए हुए थे। इन नागिनों के बीच नागराज की पत्नी उर्मिला नागिन भी मौजूद थी। वो भी जलकर राख हो गई। ये देखकर नागराज गुस्सा हो गए। उर्मिला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी को उन लोगों ने मार डाला। मैं इसका बदला लूंगा। उर्मिला का फिर से जन्म होगा, वो इस हत्या का बदला लेगी। ये सब सुनने के बाद पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, ये तो आपने बहुत गलत किया भैया। गलत? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आज भी सांपों से मुझे नफरत है। तू पायल कुछ नहीं कहती। उस रात को फिर से वो नींद में चलकर घर से बाहर चली जाती है और फिर कुछ देर बाद लौट भी आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। ऐसे ही नागपंचमी का दिन आ जाता है। बिमला पूरे दिन डरी हुई रहती है मगर कुछ होता नहीं। रात को राजेश बिमला से कहता है। बिमला आराम से सो जाती है। राजेश दूसरे कमरे में सोता है। पायल रोज की तरह अपनी माँ के पास सो जाती है मगर कुछ देर बाद पायल फिर से नींद में उठकर चलने लगती है। आज बिमला ये सब देख लेती है। अरे बेटी, कहाँ जा रही है तू बेटी? मगर पायल की नींद नहीं टूटती। बिमला राजेश को बुलाती है। राजेश वहाँ पर आता है। पायल घर से निकलकर जंगल की ओर चलने लगती है। अरे बेटी, वापस आ बेटा, रोक उसे। अरे आज रोकेंगे तो वो फिर से जा सकती है ना। चुपचाप पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ जाती है। वो दोनों पायल का पीछा करने लगते हैं। पायल जंगल के बीचों बीच पहुँच जाती है। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप कर देखते हैं। तभी 10 नागिन पायल के पास आती हैं और पायल हाथ ऊपर करके नागिनों की तरह नाचने लगती है। बाकी नागिन भी उस ताल में सिर हिलाते रहते हैं। ये देखकर बिमला और राजेश के होश उड़ जाते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है मेरी बेटी? पता नहीं माँ, अब मुझे डर लगने लगा है। तभी उन दोनों को चौंका कर पायल बोल उठती है, डर लगना भी चाहिए। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। वो दोनों चौंक जाते हैं। पायल उन दोनों की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें नीली हो गई हैं और वो आंखें जल रही हैं। तभी बाकी नागिन मनुष्य के रूप में आ जाती है। बिमला डर कर कहती है, ये क्या पायल, बेटी ये क्या कर रही है तू? मैं पायल नहीं हूँ। तो फिर कौन है तू? तभी पायल एक इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल जाती है। एक जवान नागिन औरत, एक खूबसूरत औरत। वो कहती है, मैं उर्मिला हूँ, नागराज की पत्नी। तुम दोनों ने 20 साल पहले मुझे ही जला दिया था और फिर मैंने तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बेटी के रूप में पुनर्जन्म लिया बदला लेने के लिए। पकड़ो उन्हें। उर्मिला के कहने पर वो 10 इच्छाधारी नागिन दोनों की तरफ पढ़ने लगते हैं। वो दोनों जान बचाने के लिए भागते हैं। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ बचाओ, इतने सारे नागिन हमें मार डालेंगे, बचाओ। वो दोनों बहुत डरे हुए हैं। उनके सामने अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो लोग जान बचाने के लिए दौड़े जा रहे हैं और अचानक उनके सामने एक इच्छाधारी नागिन चली आती है और अपनी सहरीली जीभ निकाल कर कहती है, अब क्या होगा, तुम लोगों को कौन बचाएगा? तभी वहाँ पर नागराज प्रकट होते हैं। उर्मिला, बदला लेने का समय आ गया है, मार डालो इन्हें। उर्मिला दोनों को डस लेती है। दोनों के शरीर के अंदर जहर चला जाता है और दोनों का शरीर अंदर से जलने लगता है। दोनों दर्द से चीख उठते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। अब पता चला जिंदा चलना कैसा होता है। उर्मिला का बदला पूरा होता है। नागराज बदला लेकर संतुष्ट होते हैं और इसके बाद नागराज उर्मिला के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।